जो निराशा फैली हुई है आम आदमी पार्टी में लोकसभा चुनाव हारने के बाद, साथ की साथ सीटों पर दावा किया जा रहा था कि हम जीत रहे मगर हार गए। कार्यकर्ताओं में एक निराशा को दूर करने के लिए केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता विधानसभा चुनाव को अलग नजरे से देखते हैं, लोकसभा चुनाव को अलग नजरे से देख रही है, विधानसभा में हम जीत रहे हैं, ऐसा होने वाला है सर? ऐसा है, केजरीवाल ने 2014 में हारने के बाद 2015 में इतनी बढ़िया जीत ली थी, यानी उस जीत के बाद उसने धीरे धीरे अपने सारे सहयोगियों को अलग करना शुरू कर दिया। ऐसा होता है, एक आदमी गलत हो सकता है, दो गलत हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्टी में केजरीवाल को छोड़ के बाकी सारे गलत हो। तो केजरीवाल ने अपने जितने भी सहयोगियों को कर दिया, केजरीवाल जब तक उनमें से आधों से ज़्यादा को वापस नहीं लाएंगे आम आदमी पार्टी में, खासकर कुमार विश्वास, आशुतोष कुमार, साजा इलमी या इन जैसे लोगों को। तो अब क्या है, केजरीवाल ने अपने आसपास चमचौटी भीड़ जमा कर ली है और जब तक वो चमचौटी भीड़ से नहीं निकलेंगे केजरीवाल सफल नहीं हो सकते। उनको कुमार विश्वास को तो अपने साथ रखना ही पड़ेगा और फिर वो जीत सकते हैं, नहीं तो उनका बिना कुमार विश्वास के दावे बार बार अरविंद केजरीवाल एक कॉन्फिडेंस लेवल आप देखिए कि अतिशी जी कहते हैं कि सात के सात जो सीटें हैं जो केंद्र में सरकार बनने वाली है वो दिल्ली से बन के जाएगी, सात के सात सीटों से हम केंद्र में सरकार बनेंगे, मगर आ जाती है मोदी गवर्नमेंट। आप कह रहे हैं कि विधानसभा में जो सरकार बनेगी वो आम आदमी पार्टी की बनेगी, पहले जितना बहुमत मिला था उससे ज्यादा वोट परसेंटेज होने वाला है हमारा, ऐसा होगा सर? ऐसा है, पहले जितना परसेंटेज मिला था उसमें सबको पता है कि वो कांग्रेस के छोड़े हुए लोग थे, मतलब कांग्रेस छोड़ के भारी वाले लोग थे, वही कांग्रेस का परसेंटेज उसको मिला था और अभी इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वही परसेंटेज वापस चला गया है कांग्रेस के पास। तो जब तक केजरीवाल दिल्ली पे केंद्रित ना होके और दिल्ली से बाहर अपना ध्यान नहीं बढ़के और अपने सारे पुराने सहयोगियों को वापस नहीं लाएगा जब तक इसका कल्याण नहीं है। जो आपने कहा कि इस समय जो केजरीवाल की पार्टी लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रही है, कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है, तो ये चीज हुई है क्या, कांग्रेस का जो वोटर है वो दोबारा कांग्रेस की तरफ चला गया? यस, 100% चला गया है। अच्छा सर, आप क्या सोचते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, क्या लग रहा है केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जनता हमसे प्यार करती, दिल्ली की जनता, लोकसभा में मोदी और राहुल की लड़ाई थी, केजरीवाल की लड़ाई नहीं थी इसलिए ऐसा हुआ, क्या सच में ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, पहले पब्लिक ने पहले दिल्ली के अंदर दो ही पार्टियाँ ज़्यादातर रहती थी, भाजपा और कांग्रेस, लेकिन पब्लिक कहते हैं कि इनसे परेशान होते थे, कभी कहते भाजपा वाले काम नहीं करते, कभी कहते कांग्रेस वाले काम नहीं करते, तो ये तीसरा एक है ना नया उभर कर आदमी आया, तो पब्लिक ने सोचा कि ये एक नई पार्टी आई है, शायद ये इनसे कुछ ज़्यादा काम करके दी हमारे को, लेकिन बात वही हो गई, घात के चार पाँच इसने कांग्रेस से भी बढ़ गए और भी ज़्यादा दिल्ली का जो है काफ़ी नुकसान करा। आप जाओ, कहीं भी जाओ, दिल्ली जगह जगह से फूटी पड़ी है, सड़कें टूटी पड़ी है, नालियाँ टूटी पड़ी है, आप जाओ जगह जगह पोल्यूशन हो रहा है, जो भी इन्होंने काम कराया सारे रुके पड़े हैं। मैं खुद अपने आनंद पर्वत क्षेत्र का रहने वाला हूँ, आप उस रोड पे रह नहीं सकते, आप मतलब अपने छत पे भी टहलने जाते हैं तो इतनी बुरी हालत होती थी कि बगैर मास्क लगाए हम कहीं जा ही नहीं सकते दिल्ली से बाहर, दिल्ली की जो हवा है वो बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे दम घोटने वाली हवा हो गई। क्या दिल्ली की जनता प्यार करते केजरीवाल से? केजरीवाल कह रहे हैं बहुत प्यार करते। देखिए, शुरू में केजरीवाल आए वो पॉलिटिकल कल्चर चेंज करने आए थे और जनता का बहुत विश्वास था, हम लोगों ने उनको वोट किया, ऐसी बात नहीं है, और बहुत ये हुआ कि पॉलिटिकल चेंज करेंगे, करप्शन का जो ये है कांग्रेस और बीजेपी जो करप्शन है उस करप्शन को ख़त्म करेंगे, राष्ट्रीय मुद्दों पे एक राष्ट्रीय सोच विकसित करेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं, ठीक है ना। ये देखिए, ये उन्होंने कहा कि हम जो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो बहुत ज़्यादा तनख्वाह लेते हैं, हमारे विधायक आधी तनख्वाह पर काम करेंगे, ये उसकी सैलरी बताए 2 लाख की, 25,000 से सीधे 2 लाख की है, सरकारी गाड़ी लिए, सरकारी बंगला लिए। अभी पुलवामा पर जो इनका कमेंट था वो पाकिस्तानी असेंबली में 4 दिन तक चलाया गया कि उन्होंने कहा कि मोदी जी आप यही करते हैं, जब चुनाव आता है तो मरवाते हैं आप, ऐसा कमेंट उनको करना चाहिए। ये राष्ट्रीय मुद्दों पर जब जो भी पार्टियाँ हो विरोध होना चाहिए, विरोध का अधिकार हमें संविधान देता है, आर्टिकल 19 हमें हक देता है, गिव्स अस राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में हमें क्रिटिसाइज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसियों की हमें क्रिटिसाइज करने का पूरा हक है, लेकिन आप राष्ट्रीय मुद्दों पर एक हो जाना चाहिए। तो क्या लग रहा है सर, ये सारी चीज़ें होने के बाद केजरीवाल जी जो जोश भर रहे हैं कार्यकर्ताओं में होगा क्या विधान, वो कह रहे हैं लोकसभा का चुनाव अलग था, वो राहुल और मोदी की लड़ाई थी, केजरीवाल तो बेमतलब में आ गया था, अब जो विधानसभा का लड़ाई है वो असली लड़ाई है, वो हम जीतेंगे और पिछली बार से ज्यादा बहुमत लाएंगे। देखिए, ऐसी कोई परसेंटेज भी बढ़ाना, ऐसी कुछ बात नहीं है, केजरीवाल को आत्ममंथन करना चाहिए कि वो हर सीट पर तीसरे नंबर पर क्यों गए, एमसीडी के चुनाव में अपना हाल वो देख ही लिए,
तो कुल मिलाकर ये है कि जनता से वो दूर भागते चले गए। उनके जो पुराने सहयोगी थे उनको ये किया, उन्होंने कहा कि हर शुरू में उन्होंने कहा कि हर पार्टियों में जो है आंतरिक डेमोक्रेसी होना चाहिए, जबकि आंतरिक डेमोक्रेसी की उनकी हत्या कर दिया और हर जगह अपनी तानाशाही शुरू कर दिया। सर कह रहे तानाशाही, लोकतंत्र से भाग रहे हैं, सच्चाई से भाग रहे हैं केजरीवाल? बिल्कुल सच बोल रहे हैं, और वो भाग रहे हैं, वो डेमोक्रेटिक सेटअप को शुरू करने जा रहे हैं, शुरू कर चुके हैं ये। तो क्या लग रहा है इन सब मुद्दों पे, कभी जैसे इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी संसद में वो चीज़ों को चलाया गया, पाकिस्तान की मीडिया में चलाया गया, तो ये सब बातें होते फिर भी कहते हैं कि दिल्ली वाले हमसे प्यार कर रहे हैं, दिल्ली वाले हमें ला रहे विधानसभा? दिल्ली वाले बिल्कुल प्यार नहीं कर रहे हैं, केजरीवाल उनके आगे नंगा हो चुका। दिल्ली वालों ने जो एक बार गलती की है वो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। गलती हो गई थी दिल्ली वाले, हाँ, जो उसको इतना बहुमत दे के पावर में लाके आए थे। एक बार मैं और कहना चाहूँगा, आप जो है आप कोई पार्टी नहीं है, आप एक सिंडिकेट ग्रुप है, ठीक है, जो एक जैसे पानी में कंकड़ मारो ना एक बुलबुला निकलता है, वो एक बुलबुला था, वो बैठ चुका है, ना तो ये राइटिस्ट है ना ये लेफ्टिस्ट है, कोई इनकी कोई विचारधारा नहीं है, कहाँ से आए कहाँ इकट्ठे हुए, केजरीवाल ने उनको मैनेज किया और पावर लेके बैठ गया। वो अन्ना हजारे जी की मेहनत थी, सब कुछ उन्होंने उसके सिर पर किया है। तो अब किसके बदौलत आएंगे सर? अन्ना हजारे तो चुके हैं, अब तो धरना भी नहीं कर रहे। अब ये भूल जाए पावर में आने के लिए, और दिल्ली वाली जनता ये मान चुकी है अगर सेंटर में जिसकी गवर्नमेंट होगी स्टेट में भी उसी की होगी तो ही विकास। सर ये आप सर समझना चाहेंगे, कहा जा रहा है कि केंद्र में आजकल दिल्ली वालों ने जो नारा पहले चला था कि केंद्र में और राज्य में केजरीवाल, केंद्र में मोदी, अब नया नारा चला है कि केंद्र में जो सरकार वही राज्य में, ऐसा है? जी हाँ बिल्कुल सही है, केंद्र में जो सरकार होगी वही स्टेट में सरकार होनी चाहिए, क्योंकि हमने देख लिया उसका अंजाम जो भी है हम भुगत चुके हैं। ये केंद्र सरकार कहती है हमने MCD को पैसा दे दिया, ये कहता है कि हमने हमें पैसा नहीं मिला, तो इस दुविधा में दिल्ली की जो कंडीशन हो चुकी है वो आप सब लोगों के सामने है, बहुत बुरी दयनीय स्थिति हो गई। आज गांव में जाओ तो दिल्ली के मुकाबले गांव ज़्यादा बढ़िया है, वहाँ में फैसिलिटी अच्छी मिल रही है, अच्छी सड़कें मिल रही है, लाइटें मिल रही है, बढ़िया चीज़ें मिल रही है, और दिल्ली में आओ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ फैसिलिटी के नाम पर जीरो अंडा और कुछ नहीं मिला। इन्होंने झूठ पाखंड करके सब कुछ करके, अभी जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने जो आम आदमी पार्टी के जो बढ़िया बढ़िया जो सीनियर लीडर थे उनको इन्होंने दरकिनार करके इन्होंने खुद अपनी पार्टी पे कब्जा कर लिया एक तरह से, और ये खुद अपने आप को भी ना संविधान और कानून से ऊंचा समझने लग गए, ये अपने आप को एक तरह से समझ रहे कि बस जो हूँ मैं ही हूँ और कोई नहीं है मेरे आगे, जो हूँ मैं ही हूँ, केजरीवाल यही समझ रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। बिल्कुल केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली की जनता बहुत प्यार करते हैं, लोकसभा का चुनाव कुछ और था, राज्यसभा ये जो विधानसभा का चुनाव है कुछ और ही हो, वो तो जनता दिखाई देगी। गलत फहमी थी जो 67 सीट दे दिया पब्लिक ने, अब आगे देखिए क्या होता है, 6 महीने के अंदर चुनाव आना है तो पता लग जाएगा केजरीवाल जी की बोलेपन ज्यादा इन पर आ गया है, बहुत ज्यादा बोलते हैं, काम कम ज्यादा बोलते हैं, जैसे एक विशेष आज के दर्जा देने की बात बोले, विशेष दर्जा मिलेगी नहीं केंद्र शासित प्रदेशों को, उसे काम चाहिए जो मेडिकेशन है या हॉस्पिटलाइज जो अच्छे जो काम कुछ बताना चाहिए तक बीच में, विशेष दर्जा का माना मिले एक मुख्य वाला बात बोले, उनकी पार्टी खुद बोला कि ऐसा नहीं मांगना चाहिए था, जो उनकी पार्टी मुख्य का आदमी जो है बोला नहीं सब मांग ही नहीं था केंद्र सरकार से, पूर्ण ज्यादा मिलेंगे नहीं, बिना सर पैर की केजरीवाल बात कर रहे हैं सर। बिल्कुल उनके पास उनके जो आस पास जो चाटुकारिता है पहले उनको खत्म करिए, ये एक मैच्योर पॉलिटिक्स करें, जब तक मैच्योर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे जब तक उनका कोई कुछ भला नहीं कर सकता, अभी बिल्कुल अनमैच्योर है, उनको एक दिल्ली की गद्दी पर जिन लोगों ने बिठाया उनको 67 सीट एक ऐतिहासिक जो उनको विजय हुई उसका उन्होंने एक अच्छा फायदा उठाना चाहिए था दिल्ली की जनता से, लेकिन उन्होंने दिल्ली की जनता को बिल्कुल एक मतलब जो उनको समझाना चाहिए कि हम दिल्ली की जनता हमसे क्या चाह रही है, उसको इस मुद्दे पर कुछ नहीं किया, बस केंद्र को गाली देना, एक तरफ कहते हैं कि हमने बहुत काम किया है और एक तरफ कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जाता है, दोभाषी जो उन्होंने बातें बोली हैं इससे दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं दुख पहुँचा है। और दूसरी बात, जिसके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, जिसके खिलाफ उन्होंने गाली दी, जिसको सब चीज़ करा, चुनाव के वक्त उसके पैर पकड़े, जनता के दिल्ली की जनता को ये मतलब की बातें नगवार गुजरी, उन्होंने कहा कि ये केजरीवाल सत्ता के लिए किसी हद तक जा सकता है। दिल्ली में काम हुआ है सर? दिल्ली में काम हुआ है, इस काम को मैं डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन जो मेन काम होने चाहिए वो काम नहीं हुए थे, ठीक है, बहुत विकास कर दिया, उस विकास के बलबूते पर आए। नहीं नहीं बिल्कुल झूठ है, यदि विकास हुआ होता जिस तरह से 67 सीट का
टिकट मिला था आम आदमी पार्टी को, जब उन्होंने ऐसा कुछ भी अच्छा किया होता दिल्ली की जनता साथ में 87 भाजपा को नहीं देती। दिल्ली की जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है, यहाँ अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन शासित प्रदेश के अंदर में आता है, ऑल स्टेट के मुकाबले यहाँ के लोग ज़्यादा समझदार हैं। अब इसे केजरीवाल को अपने अंतर्मन में झांकना होगा कि हमने क्या ऐसा हमारी गलती कहाँ है, अंतर्मंथन करना होगा। केजरीवाल जी कहते हैं कि बीजेपी सरकार हमारे को काम नहीं करने देती, बड़े बड़े बैनर टांग के रख देती है कि वो एक तरह से हमें काम हम काम करते गए और वो हमें रोकते गए, तो ये कहना क्या चाहते हैं, हमें कंफ्यूज हो रहे हैं इस मामले में। एक तरह तो वो खुद कहते हैं कि बीजेपी हमें काम नहीं करने देती और हम काम करते गए, ये क्या है भाई, और तुमने कुछ काम भी नहीं करा। दिल्ली की जनता को इन्होंने खूब बेवकूफ़ बनाया, खूब बगलाया गया। इन्होंने तो बस यही सोचा कि दिल्ली का मतलब प्रधानमंत्री भी वहीं हूँगा, राष्ट्रपति भी वहीं हूँगा, कानून भी वहीं हूँगा, संविधान भी वहीं हूँगा, मैं सबसे ऊँचा ही रहूँगा और बाकी सब मेरे से नीचे रहेंगे। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। अच्छा आप क्या सोचते हैं, जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि लोकसभा में तो प्यार नहीं आया मगर विधानसभा में बहुत प्यार आएगा दिल्ली वालों को मेरे पे, क्या सच में आने वाला है? हमारे साथ अपने कमेंट में जरूर अपनी राय साझा कीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।